दोस्तों आज हम एक और इम्प्रोवाइजेशन की एक्सरसाइज करने वाले हैं। वैसे तो इमोशंस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स, कैरेक्टर्स, सिचुएशन बहुत है, अनलिमिटेड। तो सबको यहाँ क्लास में परफॉर्म करना या ट्रेनिंग के दौरान परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं। तो हमने क्या किया है कि हम कुछ बेसिक इमोशंस हैं, जैसे डर है, दुख है, सैड है, एंग्री है, तो कुछ बेसिक इमोशंस हम लेके चल रहे हैं जिनके ऊपर हम इम्प्रोवाइजेशन करेंगे, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का एक आइडिया क्लियर हो। तो आज जो हम इमोशन लेने वाले हैं वो है डर, फियर। और डर भी किस चीज का? मौत का डर, क्योंकि उससे बड़ा डर कोई हो नहीं सकता। जब एक इंसान के सामने उसको उसकी मौत दिखाई देती है वो कैसा फील करता है, कैसा बिहेव करता है। तो आज की जो इम्प्रोवाइजेशन की एक्सरसाइज है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो हम अपने एक्टर को एक सिचुएशन देंगे और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा, और फिर हम उसके बाद बात करेंगे और ये देखेंगे कि भाई उसने ये कैसे फील किया, कैसे एक्सप्रेस किया, कैसा परफॉर्म किया, क्या इमेजिन किया, क्या विजुलाइज किया, तो वो हम उसके बाद में हम देखेंगे। दोस्तों ये है दिनेश, हमारे स्टूडेंट हैं, अच्छे एक्टर हैं, और आज की जो एक्सरसाइज है हम इनके साथ ही शूट करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज शूट करता हूँ, तो आज की जो एक्सरसाइज है वो इनके साथ शूट करेंगे। तो सिचुएशन क्या है कि तुम्हारे हाथ पर बांध के तुमको रेलवे ट्रैक पर डाल दिया है, बेहोश हो तुम, सडनली सनलाइट पड़ती है और उस लाइट की वजह से तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम देखते हो मैं कहाँ हूँ। फिर तुम्हारा ध्यान जाता है हाथ पर की तरफ कि हाथ पर बंधे हुए, फिर तुम्हारा ध्यान जाता है कि अरे तो रेलवे ट्रैक के ऊपर, तो समझ में आ गया किसी ने मारने के लिए डाला। अब आप छुड़ाने की कोशिश करते हो, छटपटाते हो, जोर लगाते हो, स्ट्रगल करते हो। तो अभी तक जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें मौत का डर नहीं है, अभी सिर्फ ये कि हाँ मारने के लिए डाला गया। सडनली ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, और जैसे ही ट्रेन की सीटी सुनाई देती है एक शॉक और एकदम डर, मौत का डर चेहरे के ऊपर दिखेगा कि अब तो मौत सामने आ रही है। और जैसे जैसे ट्रेन पास में आती जाएगी वो छटपटाहट और बढ़ती जाएगी, डर बढ़ता जाएगा, रोना चिल्लाना बढ़ता जाएगा, एक्सट्रीम लेवल तक हम जाएंगे। तो वो हमें दिखाना है कि जब आदमी के सामने उसकी मौत होती है और तो उसके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, क्या उसकी फीलिंग है, क्या इमोशन है। हम शूट करते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर हम तुमसे बात करेंगे कि ये कैसे किया और कैसा फील हुआ। ठीक है, एक्शन। धीरे धीरे आंखें खोलो, रोशनी पड़ रही है आंखों में, सूरज की रोशनी पड़ रही है। सडनली ये कहाँ पे हूँ मैं? हाथ पैरों पे ध्यान गया, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, ये क्या है? ये तो समझ में आया यार, ये कहाँ आ गया मैं? अब ये रेलवे ट्रैक पे डाल दिया आपको, आप तो सडनली देखा कि यार ये तो किसी ने मारने के लिए डाल दिया, तो अभी छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करो, हेल्प के लिए आवाज लगा सकते हो। कोई है? जोर से हेल्प, कोई है, अरे मेरी मदद करो। सडनली ट्रेन की सीटी सुनाई दी, शॉक, अभी बहुत आ गई सामने। अरे कोई बताओ मुझे, ट्रेन पास में आती जा रही है, नजरें ट्रेन के ऊपर, बचाओ, और रोना बढ़ता जाएगा, बचाओ मुझे, कोई है, और जोर से बचा, कोई है यार, मेरी मदद करो, और जोर से बचा, हाँ, और जोर से बचा। देखा आप लोगों ने कि ये अभी हमने इम्प्रोवाइजेशन किया, तो कैसे दिनेश के चेहरे पे फीलिंग्स आ रही थी, एक्सप्रेशंस आ रहे थे, रोना चिल्लाना आप लोगों ने देखा। तो ये जो तुमने किया, क्या फील किया, क्या विजुलाइज किया, कैसे किया तुमने ये? पहली बात तो सर, मैं जब पढ़ा तो आपने कहा था कि कमांड मिलेगा, तो एक आसानी हो जाती कि कमांड मिलती है। अभी ऐसे ही बंदा पढ़ा है, ट्रेन कब आया, कैसे, कहाँ एक्सप्रेशन देना है वो पता नहीं रहता है, एक्सप्रेशन कहाँ देने हैं, क्या करते हैं। जैसे आपने बताया कि आँख धीरे धीरे खुली, तो वो हिसाब से दिमाग में आता है कि हाँ अभी आँख कैसे खोलनी है। ट्रेन की सीटी सुनाई दी तो एक डर लाना है अंदर अपने कि हाँ ट्रेन की सीटी सुनाई दी, हम पटरी पे पड़े हैं, कोई मारने के लिए डाला हुआ है हमको। फिर ट्रेन नजदीक आती है तो
डर बढ़ता है, जैसे आप कमांड देते हैं ना तो उसके हिसाब से डर बढ़ता है। अगर खाली ऐसे ही हमको करना है, नीचे गिरा दिए कि भाई हाँ ट्रेन आ रही है, आपको कोई मारने के लिए डाला हुआ है आपको नीचे, तो खाली ऐसे में कुछ आता नहीं एक्सप्रेस है। तो वो जो इमेजिनेशन है, तुमने इमेजिन किया कि ट्रेन आ रही है, विजुअलाइजेशन भी किया होगा, इमेजिन किया होगा, आवाज सुनते ही हाँ ट्रेन आई तो डर बढ़ता है। ठीक है, वो कमांड के ऊपर तुमने धीरे धीरे फीलिंग्स को लाना शुरू किया, तो कमांड की काफी इंपॉर्टेंस है इसका कहने का मतलब। तो देखा आप लोगों ने, दिनेश ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उसने किस तरह से किया, और एक चीज उसने जो बोली कमांड, तो कमांड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है शूटिंग के लिए, कोई भी सीन में या इम्प्रोवाइजेशन में। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही सीन अगर कोई फिल्म में या टीवी में शूट होता तो यही तरीका, ठीक है वहां बड़ा कैमरा होगा, बड़ी लाइट्स होंगी, बड़ा सेटअप होगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो यही होगा। इसी तरह से कमांड्स दी जाएंगी, इसी तरह आर्टिस्ट फील करेगा, इमेजिन करेगा। और वहां भी ऐसा नहीं है कि ट्रैक पे डाला है और सामने से ट्रेन आ रही है, वहां भी ऐसा ही होगा कि आर्टिस्ट को लिटा दिया हाथ पर बांध के, हो सकता है ट्रैक स्टूडियो में बनाया हो सकता है आउटडोर हो, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेन आए, ट्रेन का शॉट अलग लिया जाएगा, इधर आर्टिस्ट का शॉट ले रहा है, उसको कमांड दी जा रही है कि भाई ट्रेन आ गई, तो उसको इमेजिन करना कि ट्रेन आ गई, पास आती जा रही है, तो उसको खुद विजुलाइज करना है, खुद इमेजिन करना है और खुद वो फीलिंग्स को बढ़ाना। और ये एक्चुअल में सीन होगा तो भी ऐसे ही होगा, और कमांड की बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैं एक चीज आपको बताता हूँ, थिएटर में और फिल्म और टेलीविजन ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे हम ऑन शॉट आर्टिस्ट को कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे हमने कमांड दी दिनेश को, थिएटर में ऐसे कमांड नहीं दी जा सकती। थिएटर में आदमी 3 महीना 4 महीना जो भी रिहर्सल करता है, उसके बाद स्टेज पे चला गया एक्टर, तो फिर वो जो भी चीज है वो एक्टर के हाथ में, फिर कोई डायरेक्टर कुछ नहीं कर सकता, जो एक्टर करेगा वो एक्टर ही करेगा। डायरेक्टर का जो भी काम होता है वो रिहर्सल्स में होता है, प्रिपरेशंस में होता है, जब एक्टर स्टेज पे चला गया तो उसके बाद फिर जो कुछ है वो एक्टर के हाथ में। पर यहां कैसा है कि हम चलते शॉट में आर्टिस्ट को कमांड दे सकते हैं, एक थिएटर और फिल्म का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां थिएटर में आपने 3 महीने में एक प्ले या एक अपना सीन तैयार किया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पर यहां क्या होता है कि हम चलते शॉट में चेंज करा सकते हैं। आपने एक डायलॉग प्रिपेयर किया, सीन प्रिपेयर किया, नहीं डायरेक्टर को पसंद आया, या चलते शॉट में उसको लगा कि नहीं यार इसको कुछ इस तरह से करना चाहिए, तो वो कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि हम जो यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं वो एग्जैक्टली वही कंडीशन, वही प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो फिल्म और टीवी में होता है। जैसे ये सीन हमने किया, और यही सीन फिल्म के लिए होता तो जैसे हमने दिनेश का एक क्लोज शॉट लिया, उसी तरह से आर्टिस्ट का शॉट लिया जाएगा, ट्रेन पे ट्रैक पे लिटा दिया, एक बार फुल शॉट ले लिया, पूरा बॉडी का शॉट ले लिया, फिर उसके फेस के क्लोजअप्स ले लिए, और डायरेक्टर इसी तरह से कमांड देगा, आपकी आंखें खुली, आपके चेहरे पे लाइट पड़ी, आंखें झुंझिया गई, फिर आपने देखा, आपको शॉक लगा कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, आप मुझे मरने के लिए डाल दिया, और फिर आप स्ट्रगल करोगे, फिर आपको सडनली ट्रेन दी दिखाई दी, और ट्रेन दिखाई दी तो आपका फियर और बढ़ गया, आप और ज्यादा स्ट्रगल करने लगे, रोने चिल्लाने लगे, तो ऐसे ही कमांड्स दी जाएंगी। और ट्रेन का शॉट अलग लिया जाएगा, और बाद में जब सीन एडिट होगा, एक शॉट आर्टिस्ट का, एक शॉट ट्रेन का, फिर एक शॉट आर्टिस्ट के रिएक्शंस, एक शॉट ट्रेन आ रही है, फिर एक शॉट आर्टिस्ट ट्रेन आ रही है, और ट्रेन इधर से ट्रेन क्रॉस करके कैमरे को, और इधर से कैमरा आर्टिस्ट को क्रॉस, नेक्स्ट शॉट में दिखाएंगे बॉडी पर। तो अब यही सीन जब आप देखोगे स्क्रीन पे देखोगे, तो उसमें दिखाएंगे कि एक आर्टिस्ट का क्लोजअप शॉट लगा है, उधर से ट्रेन आ रही है, फिर आर्टिस्ट का रिएक्शन दिखाएंगे, फिर ट्रेन दिखाएंगे, और वो एडिट होगा, एडिट होकर बिल्कुल ऐसा सीन क्रिएट होगा, पीछे म्यूजिक और टेंशन, और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल रियल होगा, जबकि एक्चुअल में जो शूट होता है वो इस तरीके से होता है। आर्टिस्ट का अलग होगा, ट्रेन का अलग होगा, हो सकता है लॉन्ग शॉट में कहीं रियल लोकेशन पे पटरी पे भी दिखा दें कि पटरी पे पड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं होगा कि आर्टिस्ट पड़ा है और ट्रेन सामने से आ रही, इस तरह का नहीं होता। तो ठीक है, ये एक इम्प्रोवाइजेशन था, अभी और इम्प्रोवाइजेशन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे, और उसके बाद आगे की एक्सरसाइज